हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और COVID-19 के जो भी प्रोटोकॉल से उनका पालन कर रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और होम आइसोलेशन या फिर होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और जो सामाजिक दूरी है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आप कर रहे होंगे, और आप और आपके फैमिली जो है कुशल मंगल होगी दोस्तों। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है दोस्तों हम एनालाइज करेंगे कि अभी राजस्थान जो है यूटीबी की वैकेंसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या तो आ रही है या आने वाली है, ठीक है, बहुत ही जल्द, वेरी सुन। तो दोस्तों यूटीबी की वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे लोगों को मन में जो है कन्फ्यूज़न है कि इसको ज्वाइन करें या नहीं करें, या करना कहाँ तक ठीक रहेगा, नहीं करना कहाँ तक ठीक रहेगा, क्या फ़ायदा है हमारा, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी यूटीबी की वैकेंसी में आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी बात करेंगे हम कि आप ज्वाइन करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, और फिर आपको जो है डिसाइड तो आप खुद ही कर, आपको खुद ही करना है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं तो मेरे ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको एनालिसिस आपके सामने रखूँगा कि इसके जो है क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे लेक्चर्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे यूटीबी वैकेंसी में फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, राजस्थान के हर ज़िले में जो है यूटीबी की वैकेंसी जो है यूटीबी पर स्टाफ नर्सेस को लेने का जो है आदेश आगे से आ गया है। सभी कलेक्टर जो है, जो जिले का प्रमुख होता है, उसको आदेश मिल गए हैं भर्ती करने के लिए डॉक्टर्स। उसमें डॉक्टर्स की भी भर्ती होगी, उसमें स्टाफ नर्सेस की भी होगी, ANM GNM आदि इत्यादि। तो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी राजस्थान के अंदर कि जो है दोस्तों बहुत बार जो है संविदा पर लोग काम करते हैं, और संविदा पर काम करते करते स्टार्टिंग में जो है उनकी सैलरी बहुत कम रहती है, फिर धीरे धीरे संविदा पर काम करते रहते हैं, और फिर वो या तो अगर एग्ज़ाम होता है तो संविदा वालों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और एग्जाम नहीं होता तो संविदा वालों को परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों एक पॉजिटिव आउटकम की, अगर पॉजिटिव पार्ट की हम बात करें तो परमानेंट होने के चांसेस हैं इस भर्ती में, अगर आप इसमें काम करते हैं तो 6 महीना 1 साल से अगर काम करेंगे तो 1 साल भी अगर फ्यूचर में एग्जाम होते हैं तो वो 1 साल के कुछ मार्क्स आपको मिल सकते हैं और आप परमानेंट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एम्स वगैरह की या कोई तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अभी ड्यूटी करेंगे तो हो सकता है उससे आपकी स्टडी जो है वो प्रभावित होगी, ये एक बात मैं आप मानता हूँ, और जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं ऐसा है कि एम्स में ही जाना है, तो आप चाहें तो यूटीबी की वैकेंसी में अप्लाई नहीं करें, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे सबके मन में है दोस्तों कि हम जो है सैलरी हमें सिर्फ 7,900, पिछली जो यहाँ पे कुछ नई वैकेंसी में तो कोई सैलरी का मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि पहले की तरह देना है, तो पहले की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने 7,900 रुपये की सैलरी दी। तो दोस्तों 7,900 रुपये की जो सैलरी दी वो सैलरी के लिए बहुत सारे लोगों के मन में है कि ये इतनी कम सैलरी में हम इतना ज़्यादा काम क्यों करें, या फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है, हमें इतने कम सैलरी में देखा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सैलरी एक क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है, जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी में काम करें तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी आपको लगभग लगभग स्टार्टिंग में इतनी ही सैलरी मिलती है, तो इससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि सैलरी बहुत ज़्यादा वो बड़ा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे सैलरी से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप घर बैठे हैं इससे अच्छा तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा करने के लिए। उसके बाद एक टाइम पीरियड जो है इसमें मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट की नया एडवर्टाइजमेंट है या फिर जो नया कलेक्टर्स को जो लेटर लिखा गया है उसके अनुसार जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ COVID-19 के तक है, तो हो सकता है COVID-19 1 साल तक चले, हो सकता है 2 साल तक चले, हो सकता है 6 महीने में खत्म हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ हो सकता है वापस आपको जो है वापस छोड़ना पड़े, लेकिन ये बात है कि आपको हर चीज़ को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, और नहीं करना करना वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, कुछ
कुछ नए लोगों से आप मिलेंगे, अच्छे लोगों से, बहुत सारा काम अगर आपने नहीं किया है कभी हॉस्पिटल में तो काम सीखने को मिलता है। बहुत बार क्या करते हैं हम, बी एस नर्सिंग करते हैं तो हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी तो लगती है लेकिन हम इतना काम पे ध्यान नहीं देते, थ्योरी चीज़ें ही पढ़ते रहते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर हमें चाहिए तो हमारे लिए ये गोल्डन चांस हो सकता है दोस्तों। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें दोस्तों, तो हम जो है शपथ लेते हैं, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लेकर के कि ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये प्रोफेशनलिज्म दोस्तों। अभी COVID-19 जो है वो एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन मतलब पूरी दुनिया में बीमारी फैल रही है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, ठीक है, इसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे स्टाफ नर्सेस हो, चाहे जितने भी लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, तो उन सभी की ज़रूरत सरकार ने और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने महसूस की है। पिछली बार आप देखें तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो, इस बार नहीं पिछली बार जो है वो नर्सेस के ऊपर भी ही थीम थी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम नर्सेस के ऊपर थी, और नर्सेस आर द प्राइम पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हम ही हेल्थ केयर डिलीवरी डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट लिख के जाता है, लेकिन उसको जो लगाने का काम है वो नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, ये लोग, हम ही लोग करते हैं। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। हाँ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी COVID-19 के सिस्टम में, तो COVID-19 में सभी को काम करना है, और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जो देखा जाए दोस्तों, तो प्रोफेशनलिज्म तो यही कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सैलरी के बारे में ना सोच करके, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसको, उसके बारे में सोचकर दोस्तों हमें जो है UTB के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मेरा तो पर्सनली अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे, मैं तो ज़रूर अप्लाई करता, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब पर हूँ तो अभी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें क्या दोस्तों, अगर आप, आपका खुद का मानना है कि आप क्या करें, लेकिन ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, जो है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से, इसमें आप, हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन इन ओपिनियंस के बारे में मैंने बात की। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक करके इनकरेज करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो भी यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।